सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 26th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 25 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, शॉर्ट में MGFV लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी सबस्क्रिप्ट सी एक्स इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सी इंटू टी सबस्क्रिप्ट एक्स, जहाँ सी जो है वो एक कोई कॉन्स्टेंट है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये थोड़ा सा देख लो कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एक्स को। यहाँ एक्स अगर कोई भी रेंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस कोई भी हो सकता है, तो e टू द पावर t इंटू एक्स, t जो है वो कोई भी एक रियल नंबर होगा, तो e टू द पावर t x का एक्सपेक्टेशन जो निकालते हैं वही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। ये t का एक फंक्शन होता है और ये x रेंडम वेरिएबल का है, तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। अगर किसी भी रेंडम वेरिएबल x का अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा e टू द पावर t x का एक्सपेक्टेशन। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर निकाल देते हैं तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। इसी फंक्शन को हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, मोमेंट को जनरेट करता है। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद जो सीरीज बनता है तो सीरीज में टी टू द पावर आर बाय फैक्टोरियल आर का कोएफिशिएंट क्या होता है, मोमेंट होता है। कौन सा मोमेंट होता है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है। तो t टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r का जो कोएफिशिएंट आता है वो कोएफिशिएंट मोमेंट बताता है, इसीलिए इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइंड किया गया इस तरीके से कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t सबस्क्रिप्ट x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, जहां x एक रेंडम वेरिएबल है और t एक रियल नंबर है, जिस t को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। अब यहाँ पर t के बदले कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, दूसरे नोटेशन से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा भी रख सकते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर थीटा x। यहाँ पर थीटा भी कुछ बुक में मिलेगा, या यहाँ पर जो कैपिटल x लिख रहे हैं उसके बदले वो स्मॉल x भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वैसे केस में ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर थीटा, और यहाँ पर कैपिटल एक्स ही लिखते हैं क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो रेंडम वेरिएबल जो यहाँ लिखते हैं वो कैपिटल एक्स से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि तुम देखा है कि एक्स का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो यहाँ कैपिटल एक्स लिखते हैं, या अगर एक्स स्क्वायर का निकालना है तो भी यहाँ पर कैपिटल एक्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एक्स लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे राइटर में तुम्हारा कैपिटल एक्स ही लिखा हुआ होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज है कि अगर यहाँ पर रेंडम वेरिएबल में c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसका एक्सपेक्टेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा इसके बराबर। यहाँ x ही रह जाएगा और यहाँ पर पैरामीटर में c मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब रेंडम वेरिएबल में x c से मल्टीप्लाई करें या पैरामीटर में c से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम होता है। अगर रेंडम वेरिएबल में x से मल्टीप्लाई कर देते c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है, और अगर पैरामीटर में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ रेंडम वेरिएबल एक्स ही रखते हैं, तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग ये जान रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिफिनेशन से कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, ये होता है। तो इसी से हम लोग
निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निकालते हैं इस फॉर्मूला से, एम ऑफ टी सबस्क्रिप्ट सी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ये जो दोनों हैं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एक्सपोनेंशियल लेते हैं और उसका फिर एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका एक्सपोनेंशियल होगा सी इंटू एक्स इंटू टी, और इसका एक्सपोनेंशियल और इसका हम लोग क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो इसका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड है एम ऑफ सी इंटू टी सबस्क्रिप्ट एक्स, तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो e टू द पावर x इंटू सी इंटू टी, और इस एक्सपोनेंशियल का फिर से हम लोग एक्सपेक्टेशन लिख देंगे। तो ये जो x है, x भी तो एक रियल नंबर होता है, c भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, और t जो है वो भी एक रियल पैरामीटर होता है, तो यहाँ पर तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं c को पहले लिख देते हैं और x को बाद में, और t क्योंकि ये सभी रियल नंबर ही है तो इसीलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है, तो हम लोग इस तरीके से ऑर्डर चेंज कर देते हैं, सी को पहले लिख देते हैं एक्स को बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो निकला है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों सेम आ रहा है, तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से हम लोग लिख सकते हैं वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही प्रूव करना था हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सम ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। क्या मीनिंग है कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स का तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालो वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसके प्रोडक्ट मतलब रिस्पेक्टिव जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसके प्रोडक्ट के बराबर। इसको ऐसा समझो कि सपोज करो x1 x2 डॉट डॉट xn ये सभी इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स है, ये n इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स है, इसके सम का अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो, जैसे इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, m ऑफ t सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, ये क्या बता रहा है, इस n रेंडम वेरिएबल के सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता रहा है। तो ये n रेंडम वेरिएबल के सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल होगा, प्रत्येक का अलग अलग तुम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लो, x1 का भी निकाल लेते हैं, x2 का भी निकाल लेते हैं, xn का भी निकाल लेते हैं और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सम ऑफ रेंडम वेरिएबल्स का अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका अलग अलग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेंगे और उस सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर होगा, इस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यही प्रूव करना है हम लोग को कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स उसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। प्रूफ जो है इसका बहुत ही इजी है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं जरा देखो। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, हम लोग जो डेफिनेशन होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वी नो दैट, हम लोग इससे ये जानते हैं कि किसी भी रेंडम वेरिएबल एक्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एक्स। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन का निकालना है और टी पैरामीटर है, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी रेंडम वेरिएबल का निकालना है तो उस रेंडम वेरिएबल को इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका एक्सपोनेंशियल का एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये रेंडम वेरिएबल है, इस रेंडम वेरिएबल को इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एक्सपोनेंशियल यानी कि टी ई टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन, और इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। तो e टू द पावर x इंटू टी का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, यही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। अब जरा समझो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नंबर है वो सभी रियल नंबर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, x1 वन इंटू टी प्लस एक्स टू इंटू टी प्लस डॉट डॉट एक्स एन इंटू टी, ये कैपिटल एक्स एन इंटू टी, और इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं e टू द पावर x1 वन इंटू टी इंटू ई टू द पावर एक्स टू इंटू टी,
डॉट डॉट ई टू द पावर एक्स एन इंटू टी। अब यह समझोगे कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन जो है ये सभी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, और तुमको पता होगा कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल रहे तो एक्सपेक्टेशन जो होगा एक्स इंटू वाई का वो किसके इक्वल हो जाता है, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, इसके बराबर हो जाता है। कि अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल रहे तो दोनों के प्रोडक्ट का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे रैंडम वेरिएबल का, और उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये सभी रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम लोग सभी का एक्सपेक्टेशन निकाल करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। ई टू द पावर एक्स वन टी का भी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, ई टू द पावर एक्स टू टी का भी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, e टू द पावर एक्स टू टी का भी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, और इसी तरीके से e टू द पावर एक्स एन टी का भी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, और ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये सभी जो है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर दिए। अब ये क्या बता रहा है? ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता रहा है किसका? रैंडम वेरिएबल x1 का। और ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता रहा है? x2 रैंडम वेरिएबल का। और ये जो है वो xn रैंडम वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, यही राइट हैंड साइड है। तो यही प्रूव करना था कि अगर n रैंडम वेरिएबल का सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी का अलग अलग निकाल करके उसका प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड अ स्केल इन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर हम लोग रैंडम वेरिएबल में ओरिजिन को चेंज करें या स्केल को चेंज करें तो क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में देखते हैं। जो अभी हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो निकाल रहे थे एम ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एक्स, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके अबाउट था? ये ओरिजिन के अबाउट था। यहाँ पर जो है वो अबाउट ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन के अबाउट है, और इसका वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टी। अब जरा समझोगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर किसी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। मान लो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है अबाउट अल्फ़ा, एक पॉइंट ले रहे हैं अल्फ़ा, उसके अबाउट अगर निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ई टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू टी, इसका हो जाएगा। और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एम यहाँ पर एक्स माइनस अल्फ़ा ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता रहा है ओरिजिन के अबाउट जीरो है, यहाँ ओरिजिन जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर ओरिजिन जो है वो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा है। तो अगर अल्फ़ा पर निकालना हो तो ऐसे भी लिखते हैं, या फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, और ये किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू टी, यानी एक्स माइनस अल्फ़ा को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे और उसका फिर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ओरिजिन को ही चेंज कर रहे हैं कि इफ़ द ओरिजिन फॉर द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज टेकन एट सम अदर वैल्यू से अल्फ़ा, मान लो ओरिजिन को जीरो से छोड़ करके हम लोग क्या ले रहे हैं? अल्फ़ा ले रहे हैं। तो वैसे केस में इस तरीके से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करेंगे, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट अल्फ़ा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स अबाउट अल्फ़ा हो गया। और कैसे डिफाइन किया गया है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक्सपेक्टेशन हो जाता है ई टू द पावर एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू टी का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये टी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई टू द पावर एक्स इंटू टी माइनस अल्फ़ा इंटू टी, और इसको फिर लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू टी इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू टी। तो इस तरीके से इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं। अब जरा समझोगे कि एक्सपेक्टेशन में हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टीज होता है एक्सपेक्टेशन में, कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है, तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन सिर्फ हम लोग जी ऑफ एक्स का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल एक्स नहीं है, यहाँ अल्फ़ा भी कांस्टेंट है टी भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से, और एक्सपेक्टेशन सिर्फ ई टू द पावर एक्स इंटू टी का निकालेंगे। तो ये ज्यों का त्यों रहने दो। और ये क्या बताता है? ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताता है ऑफ टी रैंडम वेरिएबल एक्स का और अबाउट ओरिजिन।
तो e टू द पावर माइनस अल्फा t रहने देते हैं, और ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर जीरो है, ठीक है, अबाउट ओरिजिन x इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x अबाउट ओरिजिन x इक्वल टू जीरो। तो ज़रा ध्यान देना, ये अगर अल्फा के अबाउट निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अल्फा के अबाउट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, जीरो के अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेंगे और उसमें e टू द पावर माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रिजल्ट हो गया कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अल्फा के अबाउट निकालना है तो उसको हम लोग जीरो के अबाउट निकाल करके e टू द पावर माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक प्रॉपर्टीज हो गया कि दस द चेंज ऑफ ओरिजिन फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू अल्फा, ओरिजिन को अगर जीरो से चेंज करके अल्फा पर ले जाते हैं तो रिजल्ट्स इन मल्टीप्लाइंग द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट x इक्वल टू जीरो बाई ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन जो होगा उसमें ई टू द पावर माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टीज हो गया ये। नेक्स्ट है, इफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ x इज चेंज सो दैट x इज चेंज टू z इक्वल टू k इंटू x, देन वी हैव, या समझोगे स्केल को चेंज कर रहे हैं। स्केल क्या है, मान लो ये रेंडम वेरिएबल है और अगर इसका k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेंडम वेरिएबल का स्केल चेंज हो जाता है। जैसे k का वैल्यू मान लो 1, 2, 3 है, अगर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k के जगह मान लो 5 है, तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 10 और यहाँ पर 15। अगर हम लोग x को दिखाना है, इस x को दिखाना है यहाँ 1, 2 और 3, और अगर इसको दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए स्केल चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5x को दिखाना है तो पहले 5 दिखाना पड़ेगा और 5 के बाद फिर 10 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा 15 आ जाएगा। तो स्केल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 1 यूनिट का स्केल था अब यहाँ पर 5 यूनिट का स्केल हो जाएगा, तो स्केल चेंज होता है। तो स्केल कैसे चेंज करते हैं, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं रेंडम वेरिएबल में। तो यहाँ पर अगर x को रेंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, सॉरी, x को हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्केल चेंज हो जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ x इज चेंज सो दैट x इज चेंज टू z इक्वल टू k x, पहले स्केल x था यहाँ पर 1 था, अब हम लोग उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया न्यू रेंडम वेरिएबल को हम लोग क्या मान लिए हैं z। अब z का स्केल और x का स्केल दोनों डिफर करेगा, तो ऐसे केस में हम लोग अगर z का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहें तो z का क्या होगा, z का निकालना चाहेंगे तो z को t से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे और उसका एक्सपेक्टेशन को ही कहेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। z का वैल्यू पुट कर देते हैं, z इक्वल टू कितना यहाँ पर सपोज किए हैं k इंटू x, तो z का वैल्यू k इंटू x पुट कर दिए। अब x को पहले लिखते हैं और k इंटू t को एक साथ करते हैं। यहाँ पर ये क्या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता रहा है रेंडम वेरिएबल x का, लेकिन पैरामीटर क्या होगा k इंटू t, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब z का वैल्यू बैठा दो, z किसके बराबर था k इंटू x के, तो z के जगह हम लोग यहाँ पर k इंटू x पुट कर दे रहे हैं। तो ज़रा ध्यान देना, अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन k इंटू x का निकालना है तो हम लोग x का ही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, लेकिन पैरामीटर जो t ले रहे थे उस पैरामीटर को चेंज करके k इंटू t कर देते हैं। यहाँ पर रेंडम वेरिएबल में k इंटू x है, यानी कि स्केल जो है वो k है, और यहाँ पर स्केल जो है वो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया वेरिएबल जो है पैरामीटर जो है उसमें k से मल्टीप्लाई हो गया। तो दस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल फ्रॉम x टू kx, अगर स्केल चेंज करते हैं, x को हम लोग चेंज करके kx करते हैं, तो इज टू रिप्लेस पैरामीटर t बाय kt। तो वैसे केस में पैरामीटर t जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा k इंटू t इन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर हम लोग स्केल x को चेंज करके kx कर देते हैं तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आएगा, तो वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, x का निकालेंगे और वहाँ पर पैरामीटर चेंज कर देंगे, t को हटा करके k इंटू t कर देंगे। ये जो दो अभी पता है, एक ओरिजिन को चेंज करने का और एक स्केल को चेंज करने का, इसको दोनों को कम्बाइंड भी किया जा सकता है। तो एक ये रिजल्ट हम लोग दोनों को अगर कम्बाइंड कर दें कि स्केल को भी चेंज करते हैं और ओरिजिन को भी चेंज करते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं कि एम ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टी ये होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दोनों काम करें, एक्स को चेंज करते हैं स्केल को, एक्स ओरिजिन को चेंज करते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा,
और स्केल में 1/h कर देते हैं यहाँ पर ऑफ टी, अगर इसका निकालना हो। ये दो काम हुआ कि x भी चेंज होकर के x माइनस अल्फा हुआ और मल्टीप्लाई भी हुआ है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है 1/h से, तो 1/h से मल्टीप्लाई हुआ मतलब स्केल भी चेंज हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। तो अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि स्केल अगर चेंज करना हो यहाँ पर, अगर के एक्स मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ सिर्फ x लिखेंगे लेकिन पैरामीटर में t के बदले क्या कर देंगे, k इंटू टी कर देंगे। तो यहाँ 1/h मल्टीप्लाई हुआ, इसको अगर हम लोग हटाना चाहें, यहाँ पर हम लोग सिर्फ x माइनस अल्फा लिखना चाहें, तो ये t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/h से, पैरामीटर को जो है उसमें 1/h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर m इन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच रहने दो, और जो सब स्क्रिप्ट है वो एक्स माइनस अल्फा है। अब ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, तो अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि एम एक्स माइनस अल्फा ऑफ टी अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एम ऑफ टी सब स्क्रिप्ट एक्स, और ये किस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये जो अल्फा है और ये टी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ई टू द पावर अल्फा और माइनस अल्फा और मल्टीप्लाई करेंगे टी, टी की जगह क्या है टी डिवाइडेड बाय एच और एम ऑफ टी सबस्क्रिप्ट एक्स। इस रूल से कि अगर ओरिजिन को चेंज करना है तो एक्स माइनस अल्फा यहाँ पर था, अगर उसको एक्स में करना है, ओरिजिन को जीरो पर करना है तो ओरिजिन को जीरो पर ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाहर हो जाता है, अल्फा इंटू टी बाहर हो जाता है और ये ओरिजिन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल जाता है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू टी, टी की जगह क्या है टी बाई एच, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी बाई एच बाहर हो जाएगा और यहाँ एम एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो ये दोनों सॉरी टी की जगह टी बाई एच है, राइट, यहाँ पर टी बाई एच है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एच ऑफ टी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाई एच इंटू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी बाई एच, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स, और यहाँ पर टी बाय एच जो है वो पैरामीटर है। तो ये एक रिजल्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में चेबीशेव इनइक्वालिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।